Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School, Mahindarganj, Rajpura, District Patiala. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में एवोल्यूशन पार्ट सिक्स में हमने एवोल्यूशन की जितनी भी एविडेंसेस थी वो हमने कंप्लीट करी और उससे हमें ये प्रूफ मिला कि एवोल्यूशन हुई है और हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम द लेस एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म. आज के लेक्चर में हम करेंगे नेचुरल सिलेक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. सो डार्विन ने जो थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि उन्होंने 5 साल गैलापागोस आइलैंड पे स्पेंड किए, वहां का फ्लोरा एंड फौना स्टडी किया, वहां से वो सैंपल्स भी लेके आए, उसके बाद भी उन्होंने अपने फ्रेंड्स जो साइंटिस्ट थे उनके साथ सब कुछ डिस्कस किया. स्पेशली एक इकोनॉमिस्ट थे मैल्थस, जिन्होंने एन एसे ऑन पॉपुलेशन लिखा था. ठीक है, उन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे होती है, फूड रिसोर्सेज किस स्पीड पे इंक्रीज होते हैं. तो इंस्पायर्ड बाय ऑल दीज व्यूज डार्विन ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो उसके क्या पॉस्टुलेट्स थे? ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट था कि पॉपुलेशन इंक्रीज इज ऑलवेज ज्योमेट्रिकल. जो पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रही है वो ज्योमेट्रिकल वे से हो रही है. ज्योमेट्रिकल वेज का मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 16. वी कॉल इट ज्योमेट्रिकल इंक्रीज. ठीक है, अब पैरामीशियम है, अगर एग्जाम्पल लें पैरामीशियम की, तो आफ्टर एवरी 24 आवर्स ये सेल डिवीजन से इंक्रीज होता है. बैक्टीरिया का तो 20 मिनट्स का है सेल साइकिल. तो अगर इनकी इतनी रिप्रोडक्शन फास्ट है तो विद इन मंथ्स जो पूरा प्लेनेट है हमारा वो तो पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया से ही कवर हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि सेकंड पॉइंट आ गया, फूड रिसोर्सेज हैं और जो स्पेस है वो लिमिटेड है, इट इज नॉट अनलिमिटेड. तो उनमें फिर क्या होता है? थर्ड पॉइंट आ गया. ठीक है, थर्ड पॉइंट हम फूड ग्रोथ इज अर्थमेटिक, चलो ये वाला पॉइंट हम पहले ले लेते हैं. ठीक है, जब स्पेस नहीं है, फूड नहीं है. ठीक है, फूड कम क्यों है? क्योंकि फूड की जो इंक्रीज होता है वो अर्थमेटिक इंक्रीज होता है. जैसे 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8. जबकि पॉपुलेशन इंक्रीज जो हो रही है वो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज हो रही है. तो उनमें क्या होगा? फिर स्ट्रगल होगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लेंगे फूड ग्रोथ इज अर्थमेटिक, फोर्थ पॉइंट हम लेंगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, या आप बोल सकते हो कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है बिटवीन टू सिमिलर स्पीशीज, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज. कॉम्पिटिशन फॉर फूड, कॉम्पिटिशन फॉर स्पेस और इन्वायरमेंटल कॉम्पिटिशन भी हो सकता है. क्लियर? सो जो अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को, ठीक है, उनको नेचर कैसे सिलेक्ट करती है, क्यों करती है, वो हम देखते हैं. फिफ्थ पोजिशन जो है पॉस्टुलेट है वेरिएशंस. डार्विन ने कहा कि पॉपुलेशन में वेरिएशंस होती हैं और ये वेरिएशंस दो टाइप्स की हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस. कॉन्टिन्यूस वेरिएशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर होती है ड्यूरिंग पैकेटिंग स्टेज ऑफ मियोसिस, तो उसमें जो है चेंज पार्ट होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो उसमें जो है उनके जो करैक्टर्स हैं वो डिस्प्लेस्ड होते हैं, तो हम बोलते हैं उसको क्रॉसिंग ओवर. डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस की सडन चेंज हो गया डीएनए में तो हम बोलेंगे म्यूटेशन, दीज आर डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस. हालांकि डार्विन को जेनेटिक्स के बारे में नहीं पता था कि ये जीन्स के करके हो रही हैं या क्रॉसिंग ओवर के करके हो रही हैं, बट ही न्यूज की वेरिएशन होती हैं. ठीक है, सडन जो लार्ज म्यूटेशंस होती हैं, बिग साइज म्यूटेशन, उनको हम बोलते हैं सॉल्टेशंस. क्लियर? तो वेरिएशंस के करके क्या होता है, जो वेरिएशंस हैं ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, तो उससे नेचर उन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर लेती है जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया. अडेप्ट क्यों कर लिया? क्योंकि उनमें वेरिएशंस थी ऑलरेडी, और उनको टैग दिया जाता है फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. फिटेस्ट सर्वाइव कर जाता है, और अगर वो सर्वाइव कर गया तो वो अपनी रिप्रोडक्शन फास्ट करेगा, अपने जो वेरिएशंस के करेक्टर है वो पास ऑन करेगा. यूजफुल वेरिएशंस आर पास्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो एक नेक्स्ट जनरेशन में न्यू स्पीशीज बनी, उसको हम बोलेंगे स्पीशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. सो ये 8 पास्टुलेट्स थे डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल
सिलेक्शन। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जो कि प्रैक्टिकली देखी गई और इन एग्जाम्पल से डार्विन की थ्योरी है वो बिल्कुल प्रूव हुई कि दैट इज 100% ट्रू, नेचर सिलेक्ट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की। इंडस्ट्रियल से मतलब इंडस्ट्रीज, मेलानिज्म का मतलब डार्कनिंग ऑफ द स्किन ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ठीक है, सो इसमें हम पेपर्ड मोथ की एग्जाम्पल लेंगे। आप देख रहे हो ये लाइट कलर का मोथ है, ये डार्क कलर का मोथ है। तो क्या हुआ कि इन 1920 के करीब इंग्लैंड के एक पार्ट में जहाँ पे एक सिटी में जहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं था, वहाँ पे जो ट्री ट्रंक्स थे उन पे वाइट कलर के लाइकन्स ग्रो कर रहे थे क्योंकि आसपास सराउंडिंग में बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं था। ठीक है, और लाइकन्स हमें पता है वहां ग्रो करते हैं जहां पे पोल्यूशन ना हो, तो व्हाइट कलर के लाइकन्स ट्री ट्रंक्स पे ग्रो कर रहे थे और वहां पे व्हाइट मॉथ भी थे उन ट्री ट्रंक्स पे। ठीक है, व्हाइट या ग्रे मॉथ्स आप कह सकते हो, और कुछ ब्लैक मॉथ्स थे, दे आर वेरी लेस इन नंबर। अब जो ब्लैक मॉथ्स थे दे वर इजिली डिटेक्टेड बाय द बर्ड्स बिकॉज मॉथ्स आर द डिलीशियस फूड ऑफ बर्ड्स, तो उनका वो प्रिडेशन करते हैं, तो बर्ड्स को ब्लैक मॉथ दूर से ही दिख जाते थे व्हाइट ट्रंक के ऊपर, तो इस वजह से ब्लैक मॉथ की जो पॉपुलेशन थी इस एरिया में कम थी, इस एरिया में ब्लैक मॉथ्स कम थे और व्हाइट मॉथ ब्लेंड हो जाते थे व्हाइट लाइकन्स की बैकग्राउंड में, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। आफ्टर 20 ईयर्स क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है, स्मोक इंडस्ट्रीज से स्मोक निकला, धुआं निकलता था और भी पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज होने लग गए, तो लाइकन्स सारे डेड हो गए क्योंकि लाइकन्स कैन नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरिया। तो वहां पे इनफैक्ट जो ट्री ट्रंक्स थे उनके ऊपर ब्लैक कलर की सूट जमा हो गई, स्मोक उनके ऊपर जम गई। अब क्या हुआ कि जो व्हाइट मॉथ्स थे वो तो चमकने लग गए ब्लैक बैकग्राउंड पे, एंड नाउ दे वर ईटन बाय द बर्ड्स, वो इजिली डिटेक्ट हो रहे थे, और जो ब्लैक मॉथ थे वो ब्लेंड कर गए ब्लैक बैकग्राउंड में। तो अब इस केस में व्हाइट मॉथ की परसेंटेज थी जो उनकी पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज होना शुरू हो गई, क्लियर है, और ब्लैक ने अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर दी, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो गई बिकॉज दे वर इजिली दे अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट, क्लियर। तो ये किसकी एग्जाम्पल हुई फिर, नेचुरल सिलेक्शन की, क्लियर। तो ये बेटे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको रिटन में भी लिखना है, ठीक है, इफ यू हैव टाइम यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, अदरवाइज थ्योरी पोर्शन तो आपको लिखना है कंप्लीट कि 1920 इंग्लैंड में देर वॉज नो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, लाइकन्स वर ग्रोइंग इन प्लेंटी, ग्रे कलर्ड मॉथ, आप ग्रे भी लिख सकते हो व्हाइट भी लिख सकते हो, ठीक है, उनका साइंटिफिक नेम बिस्टर्न बैटुलेरिया, दे मल्टीप्लाइड फास्ट, दे वर नॉट डिटेक्टेड बाय द बर्ड्स इसीलिए उनकी रिप्रोडक्शन फास्ट हो रही थी, देयर वर फ्यू ब्लैक मॉथ्स, ठीक है, बिस्टन कार्बन एरिया, दे वर इजिली डिटेक्टेड बाय द बर्ड्स, ठीक है, उनको बर्ड्स खा रहे थे तो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो गई, क्लियर। आफ्टर फ्यू ईयर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, ठीक है, तो ट्री ट्रंक्स क्या हो गए, ब्लैक होना शुरू हो गए, उनपे सूट जमना शुरू हो गई, ठीक है, और ब्लैक मॉथ्स देन सर्वाइव्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड फास्ट। सो दिस इज द थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सो इट इज ए एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज स्टेटेड बाय डार्विन, क्लियर। तो इसको फिर एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को, डॉक्टर कैटलवेल वो एक एंटोमोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं उनको हम एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं, उन्होंने उसी एरिया से या संबट वैसे ही ब्लैक मॉथ एंड व्हाइट मॉथ लेके कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए कि जो ब्लैक मॉथ थे उनको लेस पोल्यूटेड एरिया में जो मल्टीप्लाई करवाया तो वो व्हाइट, वहां पे व्हाइट की पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई, ठीक है, जो व्हाइट थे उनको वो पोल्यूटेड एरिया में लेके गए तो वहां पे व्हाइट की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई, ब्लैक वालों की इंक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है। तो उन्होंने प्रूव किया कि नेचुरल सिलेक्शन इज, ठीक है, श्योर, ये नेचर अब सिलेक्ट करती है खुद ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर अडेप्टेबिलिटी। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन की, डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटोस।
एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ये भी। अब 1940 में फर्स्ट टाइम डीडीटी को यूज किया गया मॉस्किटोज को किल करने के लिए। दो डीडीटी इज ए वेरी डेंजरस पेस्टिसाइड, लेकिन मॉस्किटो को किल करने में ये बहुत ही इफेक्टिव हुई। ठीक है, अब हमें पता है कि डार्विन ने बोला था कि वेरिएशंस अकर इन पॉपुलेशन, तो उन मॉस्किटोज की पॉपुलेशन में भी कुछ ऐसे थे जिनमें वेरिएशंस थी ऑलरेडी। ठीक है, उनमें कुछ वैसे मॉस्किटो थे जो डीडीटी रेजिस्टेंट ऑलरेडी ही थे। उन क्यों रेजिस्टेंट थे? क्योंकि उनमें डीडीटी रेजिस्टेंट जीन्स होंगे। क्लियर? तो अब क्या हुआ, डायग्रामेटिकली हम समझते हैं कि ये जो मॉस्किटो की कॉलोनी है इसके ऊपर डीडीटी का स्प्रे किया गया, सारे मॉस्किटोज किल हो गए, सिर्फ कुछ मॉस्किटोज ये जो डार्क ग्रीन है ये सर्वाइव कर पाए। क्यों सर्वाइव कर पाए? क्योंकि इनमें क्या हो गई, इनमें कुछ वेरिएशंस थी। ठीक है, इनमें क्या थी, वेरिएशंस थी, दूसरों से ये अलग थे। क्लियर? तो ये सर्वाइव हुए, नेचर ने इनको सिलेक्ट किया, इनकी रिप्रोडक्शन फास्ट हो गई, मॉस्किटो फिर बढ़ गए, फिर डीडीटी का स्प्रे किया गया, लेकिन इन कॉलोनीज पे बिल्कुल भी डीडीटी का इफेक्ट नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज दे हैव डीडीटी रेजिस्टेंट जीन्स ऑलरेडी इन देम। क्लियर? ऐसा नहीं है कि डीडीटी हमने स्प्रे की तो जीन्स बने, पहले ही जीन्स थे। क्लियर? सो नेचर ने सिलेक्ट कर लिया उनको, तो वो वाले जो मॉस्किटोज हैं उनकी रिप्रोडक्शन फास्ट होती गई, जो डीडीटी को नहीं रेजिस्ट कर पाए वो इन्वायरमेंट से गायब हो गए। अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज सिकल सेल एनीमिया। जेनेटिक्स में हमने बेटे जब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स किए थे तो हमने इसको बहुत डिटेल में किया था कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में ये देखने को मिलता है। ठीक है, और जिसको ये डिसऑर्डर होता है उसके जो आरबीसीज हैं वो ऐसे सिकल शेप बन जाते हैं, और आरबीसी के ऊपर जो हीमोग्लोबिन है वो भी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन्स HbA एंड HbA। अगर ये एलील्स नॉर्मल है तो फिर इस टाइप के आरबीसी बनेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल होगी, लेकिन अगर इनमें म्यूटेशंस हो जाती हैं एलील्स में तो इनमें HbS हो जाता है, दिस इज द म्यूटेटेड जीन। तो कॉम्बिनेशन क्या होगी, HbA HbS। अब इस केस में क्या होगा कि 50% आरबीसी जो है वो नॉर्मल बनेंगे और 50% आरबीसी जो होंगे वो म्यूटेटेड होंगे। क्लियर? हीमोग्लोबिन 50% ठीक होगा, 50% म्यूटेटेड होगा। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों ही जो है जीन्स एलील्स म्यूटेटेड है, रिसेसिव है ना, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये कंडीशन तो बहुत डेंजरस होती है, इसको हम लीथल कंडीशन भी बोलते हैं, जिसके दोनों ये एलील्स म्यूटेटेड होके वो ज्यादा टाइम तक जो है सर्वाइव नहीं कर पाता। अब हुआ क्या, अगर हम बायोलॉजिकली या थ्रेटिकली देखें तो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट जीनोटाइप, नेचर को इसको सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये तो नेचर ने बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये तो इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर पाते। बट हुआ क्या, उस पर्टिकुलर एरिया में नेचर ने इस जीनोटाइप को सिलेक्ट किया। क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि ये वाला जो जीनोटाइप है HbA HbA, इसको तो मलेरिया जो सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस बहुत है। ठीक है, और ये वाला वैसे ही लीथल है। क्लियर? और जो सेंटर वाला है इसमें क्या है, 50% नॉर्मल है, 50% जो है अबनॉर्मल है आरबीसीस। तो इस कंडीशंस में मलेरिया जो है मलेरियल पैरासाइट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उनको मलेरिया होगा ही नहीं क्योंकि जो सिकल सेल आरबीसी है उन पे मलेरियल पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाता। सो दिस वेरिएशन इज सिलेक्टेड बाय नेचर। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल एक और है हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन की एविडेंस, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। क्लियर? अब ये क्या है कि दो साइंटिस्ट थे, जोशुआ लेडरबर्ग एंड एस्थर लेडरबर्ग, दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रेप्लिका क्यों बोलते हैं, प्लेटिंग क्यों बोलते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। सो दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पेट्री डिश ली, ठीक है,
उसमें उन्होंने अगर मीडियम डाला, अगर मीडियम में उसके बाद उन्होंने वहां पे बैक्टीरिया जो है ग्रो किए। इस प्लेट को बोलते हैं ओरिजिनल प्लेट, ठीक है। तो बैक्टीरिया की क्लोनीज हैं जो डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है। अगर हम इनको नेमिंग करें, सपोज दिस इज ए कलोनी, दिस इज बी कलोनी, ठीक है, दिस इज एक्स कलोनी, दिस इज वाई कलोनी, सो डिफरेंट टाइप ऑफ कलोनीज बैक्टीरिया की ग्रो करना शुरू हुई ऑन द ओरिजिनल प्लेट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि यहां से उन्होंने इस प्लेट से उन्होंने विद द हेल्प ऑफ वुडन फ्रेम एंड वेलवेट क्लॉथ यहां से कुछ बैक्टीरियल कलोनीज एज इट इज कुछ उठाई और उनको इनोकुलेट कर दिया एक और प्लेट में जिसमें पेंसिलिन था, अगर में पेंसिलिन था उस मीडियम में। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये जो हमने मार्क की थी ए कलोनी, बी कलोनी, ठीक है, सी डी कलोनी, ये सब सरवाइव नहीं कर पाई। सिर्फ एक्स एंड वाई पोजीशन पे जो कलोनीज थी वो सरवाइव कर गई, वो इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चनिंग हुई लेडरबग से कि ये सरवाइव क्यों की, ठीक है। तो फिर वो डार्विन के पोस्टुलेट्स आ गए कि ऑलरेडी पॉपुलेशन में वेरिएशंस थी, उनमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होंगे उन बैक्टीरिया में जो पेंसिलिन को रेजिस्ट कर गए और वो ग्रो करना शुरू कर गए, ठीक है। बाकी के बैक्टीरिया में वो नहीं थी, जीन्स नहीं थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जीन्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं। उनसे क्वेश्चन किया गया क्या ये पेंसिलिन डालने के बाद जीन डेवलप हुए हैं, तो उन्होंने बोला नो, दीज वेरिएशंस, दीज जीन्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल कॉलोनी। तो उन्होंने इसको भी प्रूव करके दिखाया। उन्होंने वही जो ओरिजिनल प्लेट थी उसको फिर पेंसिलिन से वॉश किया तो सेम रिजल्ट मिले उनको, ठीक है। तो ये प्रूव हुआ कि पेंसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया दे वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, नेचर हैज सिलेक्टेड देम, केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो नेचुरल सिलेक्शन की एक और क्लियर कट एविडेंस है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब कहां वो नेचुरल सिलेक्शन, कहां हम आर्टिफिशियल पे आ गए, बट इट इज रिलेटेड, ठीक है। कैसे? अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन का तो पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। वो सिलेक्शन जो दैट इज कैरीड आउट अंडर ह्यूमन गाइडेंस, ह्यूमन खुद अपने आप सिलेक्ट करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, ठीक है, किसी भी हॉर्टिकल्चर में हो, फ्लोरिकल्चर में हो, तो ह्यूमन की हमेशा ये टेंडेंसी होती है कि बेस्ट को वो चूज करे। तो अगर ह्यूमन ऐसा कर सकता है कि बेस्ट वेराइटीज को चूज कर सकता है फॉर इट्स ओन बेनिफिट, तो नेचर तो बहुत स्ट्रांग है। नेचर ने तो 100% ये काम किया होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। अब वाइल्ड कैबेज की हम बात लिखते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन में। ये जो वाइल्ड कैबेज है, फार्मर्स ने इस कैबेज से जो है कितनी ही तरह की वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स बनाई। केल एक लीफी वेजिटेबल है, वाइल्ड कैबेज से बनी कैबेज, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है, ग्रीन कलर की जो लीफी है ये भी इन्होंने वाइल्ड कैबेज से बनाई। ब्रोकली ये भी वाइल्ड कैबेज से ड्राई की, डिफरेंट कलर्स ऑफ कॉलीफ्लावर, ठीक है, वाइल्ड कैबेज से ड्राई किए, ठीक है। और फिर कलराबी ये भी वाइल्ड कैबेज से ही डेवलप हुई। तो ऑल दीज वेजिटेबल्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन बाय डिप्लॉयटिंग देयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वाइल्ड प्लांट, ठीक है। तो नेचर तो कर सकती है ऑटोमेटिकली नेचुरल सिलेक्शन जो बेस्ट है एनवायरनमेंट के लिए, क्लियर। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, सीडलेस बनाना डेवलप किए गए, ठीक है। पहले एस टाइप के वाटरमेलन मिलते थे, उनका कलर भी रेड नहीं था, उनमें सीड्स भी बहुत थे। अब इस टाइप के वाटरमेलन हम देखते हैं, तो आर्टिफिशियली ब्रीडिंग करके, आर्टिफिशियली सिलेक्ट करके, वाइल्ड वेराइटीज में जो बेस्ट जीन है वो कलेक्ट करके ये वाले जो है फ्रूट्स बनाए गए, क्लियर। अब जैसे मेज की बात करें हम एग्रीकल्चर में, तो ओरिजिनल जो वाइल्ड जो मेज थी वो ऐसी दिखती थी, फिर उनमें आर्टिफिशियली जो जीन्स इम्पॉर्टेंट थे, जो बेस्ट थे, उनको इनकॉर्पोरेट करके अब ये वाली जो हमारी, जो हम आज भुट्टा देखते हैं, मक्का बोलते हैं हम जिसको, वो डिवेलप किया गया, क्लियर। सो आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी ये प्रूव करती है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है इन्वायरमेंट में होती है, क्लियर। हम कैटल्स की बात करते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ काउस जो है एनिमल ब्रीडिंग में जो है आगे चल के हम पढ़ेंगे वो डेवलप की गई है, ठीक है, उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई है।
आर्टिफिशली पहले उनके जीन्स जो हैं बेस्ट डिजायर्ड करेक्टर्स वाले जीन लेके और आर्टिफिशली ब्रीडिंग करके बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज हैं जो वो प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, मैन ने अपने बेनिफिट के लिए किया है ये, क्लियर। सो अब नेचर कैसे सिलेक्ट करती है, ठीक है, हमने ये देख लिया कि नेचर बेस्ट को सिलेक्ट करती है। अब नेचर का मैकेनिज्म क्या है, कितने टाइप्स की नेचुरल सिलेक्शन है, तो तीन टाइप्स की हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जिसको हम बैलेंसिंग टाइप भी बोलते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है, एंड थर्ड इज डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। ये मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। आपने अपनी बुक में इस टाइप के तीन जो ग्राफ्स देखे होंगे, स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि हमें इनमें कंफ्यूजन होती है ये किस तरह से ड्रॉ किए हुए हैं, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले हम स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखते हैं, इसको इंटरमीडिएट नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं। अब हमने देखा है कि नेचर जो बेस्ट ट्रेट है उसको सिलेक्ट करती है, तो इसमें नेचर मिडल ट्रेट को सिलेक्ट करती है, इंटरमीडिएट ट्रेट को सिलेक्ट करती है, जो एक्सट्रीम ट्रेट होते हैं उनको वो एलिमिनेट कर देती है, उनको रिजेक्ट कर देती है, क्लियर। तो अब सिकल सेल एनीमिया की फिर एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। हमने देखा कि ये तीन टाइप्स की हमारे पास कॉम्बिनेशंस थी, ठीक है, लेकिन नेचर ने ये वाली इंटरमीडिएट वाली सिलेक्ट की, ये दोनों एक्सट्रीम उसने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब हम ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। सपोज हम कहें कि इस साइड पे क्योंकि एक्सट्रीम्स नेचर ने रिजेक्ट कर दिए, तो यहां पे हम देखते हैं एच बी ए है इस एक्सट्रीम पे है एच बी एस, और यहां पे क्या है HBA एंड HBS, दिस इज द इंटरमीडिएट। नेचर ने जो एक्सट्रीम थे वो रिजेक्ट कर दिए और जो इंटरमीडिएट थे उनको सिलेक्ट किया, तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो गई। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्लियर है अब आपको, ठीक है। जो सिलेक्ट हुए उनकी रिप्रोडक्शन फास्ट हो गई, उनकी रिप्रोडक्शन की पीक ऊपर हो गई, क्लियर। अब सेकेंड टाइप है डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल मीन्स कि इन्वायरमेंट की डायरेक्शन में चलती है सिलेक्शन, क्लियर। तो नेचर सिलेक्ट द मोस्ट अडेप्टिव ट्रेट्स, जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं बेस्ट उसी डायरेक्शन में, तो उसको नेचर सिलेक्ट करती है। यहां पे हम DDT रेजिस्टेंस मॉस्किटोज और इंडस्ट्रियल मेलानिज्म दोनों की बात ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा डॉटेड ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है कि यहां पे जो पहले क्या थे सेंसिटिव थे, सेंसिटिव DDT सेंसिटिव मॉस्किटोज थे, ठीक है DDT सेंसिटिव मॉस्किटोज थे। अब जैसे ही उनमें DDT डाली तो ये वाला ग्राफ शो होने लग गया, डायरेक्शन इस तरफ आ गई। अब DDT रेजिस्टेंस मॉस्किटो डेवलप होने लग गए। सेम केस ही इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का है, ठीक है। यहां पे क्या होंगे, पहले व्हाइट मॉथ ज्यादा थे, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट मॉथ थे, ब्लैक कम थे। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो जो इनकी जो अडेप्टेशन थी वो इस तरफ हो गई, यहाँ पे जो ग्रीन है यहाँ पे इनकी रिप्रोडक्शन हो गई, ये ब्लैक मॉथ फिर इंक्रीज करना शुरू हो गए, ठीक है। सो जो सिलेक्शन थी वो इस तरफ चली गई। सो दिस इज डायरेक्शनल आर प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ सिलेक्शन। थर्ड करते हैं हम डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, ऑपोजिट होता है, नेचर सिलेक्ट्स द एक्सट्रीम्स और एलिमिनेट्स द इंटरमीडिएट। इसमें जो एक्सट्रीम्स हैं यहाँ पे नेचर ने सिलेक्ट कर लिए और ये जो इंटरमीडिएट थे उनको रिजेक्ट कर दिया। इसकी एग्जांपल भी हम समझने की कोशिश करते हैं, हम स्नेल्स की एग्जांपल लेते हैं कि जो सी बेड पे स्नेल्स होते हैं वो, क्योंकि सी बेड पे जो सैंड है वो व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, और व्हाइट स्नेल्स हैं व्हाइट सैंड के ऊपर। अब व्हाइट सैंड व्हाइट स्नेल्स दे विल बी इजिली ब्लेंडेड इन द बैकग्राउंड, वो प्रेडेटर्स को नहीं दिखेंगे, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, क्लियर। अब
एक एक्सट्रीम है ब्लैक स्नेल्स ऑन ब्लैक रॉक्स, समुंदर के अंदर जो रॉक्स हैं ठीक है, जो स्टोन्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं, उनके ऊपर ब्लैक स्नेल्स घूमते हैं, तो ब्लैक ब्लेंड विद द ब्लैक, वो भी दिखाई नहीं देते, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत है। एक इंटरमीडिएट टाइप है ब्राउन स्नेल्स ऑन व्हाइट सैंड, अब व्हाइट सैंड के ऊपर ब्राउन भी स्नेल्स हैं लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि वो तो इजी प्रे हो सकते हैं, व्हाइट सैंड के ऊपर तो ब्राउन दिख जाते हैं दूर से, ठीक है, तो उनको फिश है जो अपना इजिली अपना शिकार बना लेती हैं। तो नेचर ने क्या किया, जो एक्सट्रीम्स थे दो, व्हाइट एंड ब्लैक ऑन ब्लैक रॉक्स, व्हाइट ऑन व्हाइट सैंड, उनको सिलेक्ट कर लिया और उनकी क्या हो गई, रिप्रोडक्शन फास्ट हो गई। ये जो दो एक्सट्रीम्स थे राइट एंड लेफ्ट, इनकी पीक्स हाई चलेगी, और ये जो बीच में ये इंटरमीडिएट है नेचर ने रिजेक्ट कर दिया, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई। सो दिस इज द डिसरप्टिव टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। एज द नेम इंडिकेट, वी विल स्टडी अबाउट द जीन्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन, ठीक है। अब वेरिएशंस में भी हम क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे हम, फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीन्स विद इन द पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन में टोटल कितने टाइप्स के जीनो टाइप्स हैं, क्लियर। दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स को समझने के लिए हमें हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को समझना होगा। हार्डी एंड वेनबर्ग दे वर टू साइंटिस्ट, तो उन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स को समझने के लिए एक इक्वेशन दी, ठीक है, एक प्रिंसिपल दिया। वो प्रिंसिपल क्या था कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसके जीनो टाइप्स हैं दे ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, लेकिन कॉन्स्टेंट वो तभी रह सकते हैं अगर ये वाली कंडीशंस फुलफिल होती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस, पॉपुलेशन शुड बी लार्ज, रैंडम मेटिंग इज अकरिंग, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, सिलेक्टिव मेटिंग नहीं होनी चाहिए, नो म्यूटेशंस, म्यूटेशंस नहीं होनी चाहिए, अगर होते हैं तो दे शुड बी इन बोथ द डायरेक्शंस, नो जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड आर लॉस, वहां से कोई जीन जाना नहीं चाहिए, किसी जीन कोई एडिशन भी नहीं होनी चाहिए जीन्स की, नो सिलेक्शन अकर, नेचुरल सिलेक्शन तो होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब। और जितने भी जीनो टाइप्स हैं दे शुड सर्वाइव, कैन रिप्रोड्यूस इक्वली वेल। सो ये कंडीशंस होंगी तो ही हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो क्लियर होगा, तो भी जीनो टाइप हैं जो कॉन्स्टेंट आएंगे। लेकिन एक्चुअल में बेटे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नेचर डज नॉट फॉलो ऑल दिस रूल्स, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, पी स्क्वेयर प्लस 2PQ प्लस की स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब पी यहाँ पे हम क्या लेंगे, डोमिनेंट एलील्स, क्यू हम क्या लेंगे, रिसेसिव एलील्स, ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, हेटरोजाइगस कंडीशन। तो अगर हम इनका सम निकालें तो दे विल बी ऑलवेज 1 अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग। और अगर इसकी वैल्यू 1 आती है किसी भी पॉपुलेशन की, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज हम निकाल लें, अगर 1 आई है तो दैट मीन्स नो एवोल्यूशन, कोई एवोल्यूशन नहीं हो रही, ठीक है। अगर ये कंडीशन 1 है तो दैट मीन्स पॉपुलेशन इज नॉट इवॉल्विंग, ये आप याद रखना, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस ऑलवेज एग्जिस्ट नेचर में, हमेशा ही डिस्टर्बिंग फैक्टर्स होते हैं, वो कभी भी अलाउ नहीं करते इक्विलिब्रियम टू बी कॉन्स्टेंट। हमें पता है कि एवोल्यूशन तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से ही हो रही है, होती भी रहेगी। डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस क्या है जिसके करके ये इक्वेशन इक्वल टू 1 नहीं आ सकती, नॉन रैंडम मेटिंग होती है नेचर में, सिलेक्टिव मेटिंग नहीं होती, म्यूटेशंस भी होती हैं, ठीक है, सिलेक्शन कुड बी नेचुरल सिलेक्शन तो अभी हमने पढ़ी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हमने पढ़ी, तो जीन्स हम किसी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी में ऐड कर रहे हैं, तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो जाएगी, पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन साइज होता है, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग तो पॉसिबल है अगर पॉपुलेशन साइज लार्ज है तो, क्लियर। हार्डी वेनबर्ग को ने बोला था कि जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, जीन्स कभी भी इधर उधर शिफ्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन जीन माइग्रेशन होती है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, इमिग्रेशन कोई जीन्स ऐड हो रहा है, एमिग्रेशन कोई जीन पॉपुलेशन से बाहर जा रहा है, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर भी हमने देखा, ठीक है, जाइगोट में पैकेटिन स्टेज पे मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, और कुछ जीन्स ऐसे हैं दे आर डिलीटेड एक्सीडेंटली इन ए स्मॉल पॉपुलेशन,
अचानक से ही वो जीन्स गायब हो जाते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो मूव कर जाते हैं। अब जीन फ्लो आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, ठीक है, अब ये स्मॉल पॉपुलेशन है, ठीक है, इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स इस साइड पे मूव कर गए, इनकी पॉपुलेशन जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज कम हो गई, इनकी जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज प्लस में आ गई, जीन फ्लो हो गया, तो इक्विलिब्रियम कैन नेवर बी वन। क्लियर? ऐसे हमने बोला कि एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ जीनोटाइप्स भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे रेड बीटल्स एंड ब्लू बीटल्स की रेशियो 5:5 है, ठीक है, एक्सीडेंटली बाय क्या हुआ कि जो ब्लू बीटल्स हैं उनमें से चार की जो है चार मर गई, तो रेशियो 5:1 हो गई, तो यहाँ पे जब न्यू पॉपुलेशन होगी तो उनमें जो ब्लू की पॉपुलेशन है उनकी जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी कम हो गई, रेड की डबल हो गई। क्लियर? सो दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट बाय चांस, एक्सीडेंटली डिलीशन ऑफ सम जीनोटाइप्स इन द पॉपुलेशन। अब जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो फाउंडर इफेक्ट पे काम करती है। फाउंडर इफेक्ट को समझने के लिए हमें बॉटल नेक इफेक्ट को समझना पड़ेगा। व्हाट इज बॉटल नेक इफेक्ट? आपको अब दिख ही रहा है कि बॉटल्स में कुछ पेबल्स हैं, ठीक है, अब इससे हमने क्या प्रूव करके देखा कि कैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, कैसे फाउंडर इफेक्ट हुआ, ठीक है। सपोज ये बॉटल्स में हमने कुछ पेबल्स डाले, ठीक है, ग्रीन कलर, रेड कलर एंड ब्लू कलर के पेबल्स हमने डाले, और फिर उसके बाद हमने बॉटल का अपसाइड डाउन किया तो अपने आप ही ग्रीन, ब्लू और वन रेड, ग्रीन ज्यादा आ गए बाहर, ब्लू कम और रेड एक ही आया बाहर, ठीक है, इस बीकर में ट्रांसफर हो गए। अब ये एक अलग पॉपुलेशन बन गई, इनको हम बोलेंगे फाउंडर पॉपुलेशन, ये सरवाइव कर गए, ठीक है। अब जब इनकी मल्टीप्लिकेशन हुई तो आप देख सकते हो कि अब इसमें जो रेड की फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल कम है, ग्रीन की ज्यादा हो गई, ब्लू की उससे कम है, तो इस पॉपुलेशन और इस पॉपुलेशन को आप कंपेयर करोगे तो जीनोटाइप क्या है, चेंज हो गए, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई उनमें, और इसको हम क्या बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट। दिस इज द फाउंडर पॉपुलेशन जो सर्वाइव कर गई थी। क्लियर? तो अब आपको समझ आया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे होती है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, बॉटल नेक इफेक्ट से हमने कैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट को अंडरस्टूड किया। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने किया कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, उसकी क्या एग्जाम्पल्स हैं जो हमें एविडेंस देती हैं नेचुरल सिलेक्शन का, नेचुरल सिलेक्शन की क्या मैकेनिज्म है, कितने टाइप की नेचुरल सिलेक्शन होती है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, कौन से फैक्टर्स होंगे तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इक्वल टू वन आएगा, कौन से डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं जिससे इक्वेशन जो है नॉट इक्वल टू वन हो सकती है। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अप द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। थैंक यू।